नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल ट्रेंडिंग प्लेस में आपका स्वागत है। आज हम आपको दिखाएंगे कोर्सिका फ्रांस, जिसे सुंदरता का द्वीप भी कहा जाता है। कोर्सिका एक भूमध्य सागरीय पहाड़ी द्वीप है, जिसमें फैशनेबल तटीय शहर, हरे भरे जंगल और ऊबड़ खाबड़ चोटियां हैं। मोंटे सिंटो सबसे ऊंचा है। द्वीप का लगभग आधा हिस्सा GR20 जैसे कठिन लंबी पैदल यात्रा पथों वाले एक पार्क द्वारा कवर किया गया है। इसके समुद्र तट पिएट्रा कोब्रा से साले किया और रोंडनरा तक फैले हुए हैं, जो काफी दूर हैं। यह 1768 से फ्रांस का हिस्सा रहा है, लेकिन इसकी संस्कृति अभी भी बहुत अधिक इतालवी है। सौंदर्य का द्वीप अपने लुभावने दृश्यों के लिए जाना जाता है, जिसमें लाल चट्टाने नीले पानी में गिरती हैं, पत्थर की बस्तियां पहाड़ों से चिपकी हुई हैं, और शाहबलूत के पेड़ों के साथ शानदार घाटियां हैं। कोर्सिका में गुप्त खाड़ियां, रेतीले समुद्र तट और ऊबड़ खाबड़ प्रायद्वीप हैं, जहां घूमने के लिए 1000 किलोमीटर से अधिक का समुद्र तट है, जिसमें प्रसिद्ध स्कैंडोला रिजर्व भी शामिल है, जो स्कूबा डाइविंग के लिए लोकप्रिय है। हालांकि नेपोलियन का गृह नगर भी परंपरा और इतिहास में समृद्ध एक जगह है, जो शहर की सैर पर सबसे अच्छी तरह से खोजी जाती है। फ्रेंच रिवेरा से 170 किलोमीटर दक्षिण पूर्व और इटली के पश्चिमी तट से 80 किलोमीटर पश्चिम में भूमध्य सागर में स्थित कोर्सिका अंतर्राष्ट्रीय राजधानियों के लिए एक कड़ी प्रदान करता है। आइलैंड ऑफ ब्यूटी, जीवन की एक बेजोड़ गुणवत्ता वाला एक पहाड़ी द्वीप, 1000 किलोमीटर से अधिक समुद्र तट, 4 हवाई अड्डों और इस क्षेत्र में फैले 6 बंदरगाह, दुनिया के सबसे लोकप्रिय पर्यटक आकर्षणों में से एक है। 2009 के बाद से कोर्सिका की आबादी फ्रांसीसी औसत से लगभग दोगुनी दर से बढ़ी है। घर के विकास और नवीनीकरण की तीव्र दर इस प्रवृत्ति को दर्शाती है, जिससे निर्माण क्षेत्र को एक प्रमुख स्थान मिलता है। कोर्सिका अपने लुभावने समुद्र तट परिदृश्य, अदूषित जंगलों के विशाल विस्तार और बर्फ से ढके पहाड़ों के साथ आइलैंड ऑफ ब्यूटी के रूप में अपने नाम पर कायम है। तट के किनारे आकर्षक बंदरगाह शहर हैं और सुरम्य गांव ढलानों पर स्थित हैं। कोर्सिका पर कभी भी सुस्त पल नहीं होता है। समुद्र तट पर जाने वाले पैदल यात्री और आउटडोर खेल प्रशंसक इसे पसंद करेंगे। द्वीप में यूरोप के कुछ सबसे लुभावने चट्टानी परिदृश्य हैं, साथ ही स्नॉकलिंग और स्कूबा डाइविंग के लिए आदर्श स्वच्छ पानी के साथ 1000 किलोमीटर की तटरेखा भी है। इस तथ्य के बावजूद कि कोर्सिका 1769 से फ्रांस का हिस्सा रही है, इसकी अपनी अलग संस्कृति है। गधे अभी भी ग्रामीण इलाकों में घूमते हैं, संगीत असामान्य है और व्यंजनों में मजबूत मसालेदार चीज, शाहबलूत पोलेटा और शाहबलूत बिस्कुट जैसे व्यंजन शामिल हैं। कोर्सिका 183 किलोमीटर लंबा, 83 किलोमीटर चौड़ा और समुद्र तल से 2706 मीटर ऊपर अपने उच्चतम बिंदु पर सिसली और सार्डिनिया के बाद पश्चिमी भूमध्य सागर में तीसरा सबसे बड़ा द्वीप है। ये अच्छी तरह से संरक्षित विरासत के साथ एक शानदार प्राकृतिक स्वर्ग है। यह विशिष्ट भूमि, जो अपनी परंपराओं में गहराई से निहित है, सौंदर्य का द्वीप मोनिका कमाती है। फ्रेंच रिवेरा से लगभग 180 किलोमीटर दूर नेपोलियन बोनापार्ट की जन्मस्थली में देखने लायक दिलचस्प जगहों की कोई कमी नहीं है। यह अदूषित भूमि, जो बाहरी उत्साही लोगों के साथ विशेष रूप से लोकप्रिय है, आपको इसके आकर्षक पहाड़ी गांवों, छोटे जंगली खाड़ियों, जीवों और वनस्पतियों से भरपूर प्रकृति भंडार, क्रिस्टल साफ पानी के साथ सुनहरे समुद्र तट, धूप सेंकने के लिए आदर्श रंगीन समुद्री बेड, पहाड़ का पता लगाने के लिए आमंत्रित करती है, झीलें और शानदार लंबी पैदल यात्रा के रास्ते जैसे कि GR20, जो उत्तर से दक्षिण तक कोर्सिका में चलता है, विस्तृत और विविध खाका, साथ ही सुखद वातावरण
सुंदरता के द्वीप की कई मजबूत विशेषताओं में से हैं, जो प्रसिद्ध समुद्र तटीय सैरगाह से लेकर पहाड़ की ऊंचाइयों तक हैं। यदि आप इस खूबसूरत क्षेत्र में कुछ दिन बिता रहे हैं तो अजेसियो, बस्तिया, काल्वी, कोटे, पोर्टो वेक्चियो और सार्टेन सभी शहर अवश्य देखें, चाहे वो पनीर, चारक्यूरी या चेस्टनट विशेषता हो। स्थानीय गैस्ट्रोनॉमी क्षेत्र की पर्यटक अपील का एक महत्वपूर्ण घटक है। ब्रोकियू कोप्पा, फिगाटली, पोलेटा और फियाडोन, साथ ही पोलेटा और फियाडोन, इस क्षेत्र के अनूठे स्वादों का आनंद लेने के इच्छुक आगंतुकों के लिए सभी प्रसन्नताएं हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। चर्चित जगहों पर हमारे पास 150 से अधिक वीडियो हैं। लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। देखते रहें।